चलो नाश्ते में शेर तो ले लिया आपने, ठीक है फिर मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। व्हाट अ मीन होस्ट। ये मीन का मतलब क्या हुआ? मीन मेरी राशि। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हाउसफुल 3 से और भी स्टार्स जो हैं आज यहाँ पे आएंगे, सो सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी हैंडसम मिस्टर जैकी श्रॉफ। चलो भाई दादा को पूछो कुछ क्वेश्चन। दादा सबसे पहले आपको करोड़ करोड़ मुबारकबाद, टाइगर बॉक्स ऑफिस पे पूरा छा रहा है और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग मिली है। थैंक यू दादा, लड्डू मेरा गिरने वाला था। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। उनको ना टेस्टी नहीं लगा था तो बहाने से मेरे मुंह में डाल दिया फिर। क्या स्टाइल है यार, एक बार तालियां बनती है दोबारा। देखिए दादा, जब टाइगर छोटा था आप इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, जाहिर सी बात है आपसे पॉकेट मनी लेता ही होगा। अभी वो कमा रहा है तो आप लेते हैं कमीशन थोड़ा? कमीशन नहीं, हिस्सा। पेड़े जा रहे थे मुंह में। बोलने को नहीं हुआ, सॉरी। वो उतर नहीं रहा था, मस्त बनाए ले जो भी बनाए। क्या बोल रहा था बेटू? नहीं मैंने ऐसा कहा कि टाइगर नहीं, नहीं नहीं कमीशन नहीं रे बाबा, मैं कहाँ कमीशन, वो स्माइल किया वही मेरा कमीशन। अरे क्या बात। आपको पता है जैकी दादा 80s में आए फिल्म इंडस्ट्री में, अक्षय पाजी 90s में आए। पाजी मैंने एक चीज नोटिस की, अक्षय पाजी आपने भी किया होगा, ये आजकल जितने भी हीरो आ रहे हैं किसी की छाती में बाल ही नहीं होते, ऐसा कोई क्यों मतलब? हेलो, है है, यू हैव अ स्लॉट? आई हैव लॉट। मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि शी सोज टू माय सिस्टर नेवर ट्रस्ट अ मैन हु डजंट हैव हेयर ऑन हिज चेस्ट। ओ ये चार बाल है, चार बाल है। सिर्फ 4% ट्रस्ट करना। भरोसे के लिए 4 बाल भी काफी है, ऐसा थोड़ी कि जंगल लेके घूमू मैं। दादा आपको पता है थोड़े दिन पहले टाइगर यहाँ पे आया था, तो वहां यहाँ पे किसी लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कभी या आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया, तो मैं आपको जवाब सुनाना चाहता हूँ टाइगर ने क्या बोला। यहाँ पे आप दिखाएंगे जरा। हम लोग ने मीडिया सोशल मीडिया से सुना है कि आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। फिलहाल तो नहीं, फ्रेंड है, कोशिश करा पटाने पर, मुश्किल है। दादा मैं ये कमाल है क्योंकि मैं टाइगर को क्या अभी 25 साल से जानता हूँ, सिंस देन टिल नाउ आई थिंक दैट्स द मोस्ट आई हर्ड टाइगर स्पीक इन हिज लाइफ। और वो भी बहुत दादा, एवरी टाइम यू कम हेलो सर, दैट्स इट। हाँ सर, हेलो सर, कैसे हो टाइगर? आस्क मी अ क्वेश्चन। क्या किया सुबह आपने? शूटिंग कैसी रही? दादा कैसे? बात ही नहीं करता यार, हाउ दिस गर्ल गॉट सो मच सीरियस आउट ऑफ हिम। हाँ हम दादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं, आप इसकी स्ट्रेचिंग करवाइए, किसी दिन खोलिए उसको थोड़ा। अच्छा है, छोटा है यार दादा, वो बोल रहा है वो चिकना, वो शेव करता है मगर इसका वो है ही चिकना। दिमाग भी छोटा है उसका, है वो इज्जत दे रहा है सबको। और अच्छा है कि आजकल के हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे करे, सबकी इज्जत करे, बड़े बाबा शरारती हो मगर थोड़ा सा। दादा लेकिन एक बात, आपकी इमेज जो है सबके दिलों में, आप बिल्कुल बिंदास बोलते, सच बोलते हैं,
अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक पाजी कल से ना शरीफ बन के बैठे हुए हैं. आप बताइए सच्ची में इन तीनों में से बदमाश कौन है सबसे ज्यादा? पूछ के कौन शरीफ कौन है पूछ. अरे 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 मासूम. अरे ये भी हिल गया. तेरे बहुत बहुत इतना मैं बोलता हूँ ना, इन लोग से इतना सीखने को मिला यार. क्या काम है, फ्लूइड है यार, मर्क्यूर एकदम. मतलब यहाँ हाथ पे रख, यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गया. इतना फास्ट काम है तीनों का. बॉस मानता हूँ तुम लोग को, माफी कसम. अरे क्या है? मैं ही कह रहा हूँ पूरा प्रोग्राम खत्म करना है, चंकी ने उठे रखने. मतलब बुला ला पाजी. अब मैं जिनको आपके रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये फिल्म हाउसफुल 3 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा पुराना पास्ता उर्फ मिस्टर चंकी पांडे. ये लड़की है सर, देखिए आपकी कितनी फैन है. किसी के पोस्टर नहीं उठा, आपके पोस्टर उठा रहे हैं. अरे वाह. इनको तो मैंने पैसे नहीं दिए थे. वाह. पहले तो मेरी एंट्री एकदम एंड में हुई है, लाइक द हीरो ऑफ द फिल्म. ऑफ कोर्स. और ये इतना फैन मेल इधर, आई कांट बिलीव इट. वो आदमी ने कौन पकड़ा, मैरी मी चंकी? नहीं नहीं वो. ये 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 जरा इधर आ भाई, इधर आ भाई साहब, इधर आ इधर आ. ऊपर रख आखिरी पास्ता. मैंने क्या बोला, पुराना पास्ता. आ जाओ. क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ? ईस्ट और वेस्ट चंकी आ रहा बे. आ भी ले वो. अरे वो नहीं, मैरी मी चंकी लिख रहा है. ब्लू शर्ट. आई आई मैरी मैरी मी चंकी लिख रहा है. व्हाट्स ही रिटन? वो ले गया, वो ले गया. मैं बस एक चीज समझना चाहता हूं अकी भैया, ईस्ट और वेस्ट चंकी इज द बेस्ट, बट व्हाट इज ईस्ट और वेस्ट चंकी इज द वेस्ट. इसका क्या मतलब हुआ, आप जरा हमें विस्तार से समझाइए. वो तो ठीक है. ये क्या है, वो आदेश क्या पकड़े सर? क्या है सर, वो किसको चंकी ले लो. बड़ी नाइंसाफी हो रही है पापा जी, किसी मैनू बचा. अरे आप तो वही ना जो बाहर मेरे से पूछ रहे, मेरे को बोलते चुंकी पांडे के बाहर है. नहीं सर. तो इसके इसके क्या करेंगे अभी सर? अभी कुछ नहीं, अभी घर पे लेके जाना पड़ेगा चंकी को. नहीं सर, को यहाँ पे फेंकना पड़ेगा. यार ये किसी लड़की से जिसने छीना क्या आपका अपना है? नहीं सर, मेरे को एक्सचेंज हो गया, खुद को ही पता नहीं चला क्या रो है. आइए सर, प्लीज आइए बैठिए. आप इधर आ जाओ, चलो आ जाओ. चलिए आज के एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सब बैठ गए हैं. चंकी भाई एक पर्सनल क्वेश्चन. ओके. कई सालों से देखते आ रहे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं, आपकी एज कितनी होगी, आइडिया कोई आपको? कपिल पाजी मैं डायनासोर नहीं हूँ लेकिन डायनासोर का अंडा हूँ मैं. अक्षय से तो मैं 2 साल छोटा हूँ. नहीं रितेश के नहीं. योर कॉमेडी टाइमिंग इज गोइंग वेरी बैड. कपिल पाजी आई एम 50+. 50+ क्या बात है यार, बहुत कमाल है. अक्षय पाजी, रितेश और जैकलीन हाउसफुल के पहले सीजन से ही हैं. सीजन मूव टीवी वाला आदमी ना. और आपके किरदार भी बदलते रहते हैं. और ये भी पहले से ही है ना चंकी. कंपल्सरी ब्लाइंड का आखिरी पास्ता है ना, वही नाम आज तक चल रहा है. तो आप क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि और कोई किरदार कर नहीं पाएंगे ये? बाकी और रोलों में इनको काफी ट्राई किया लेकिन ये कर नहीं पाए थे. पाजी 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 सुनो, इसकी बातों में आना मत, ये बड़ा भड़काता है लोगों को.
हाउसफुल 3 के क्लाइमैक्स में मैं बर्मिड और शॉर्ट्स पहन के आया था जी, बेयर चेस्टेड लाइक टाइगर श्रॉफ था एकदम, सिक्स पैक्स ये वो। अक्षय ने डायरेक्टर के कान में कुछ कहा और पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं डबिंग करने गया ना जी, तो मेरे बर्मिडा शॉर्ट्स छोटे बिकिनी ब्रीफ्स बन गए। अच्छा। मैंने साजिद नडियाड वाला को फोन किया। अच्छा। कि मैं केस कर रहा हूँ, बोला तू केस करके देख, वो जो छोटी चड्डी उसको भी गायब कर देंगे हम लोग। ऐसा हो सकता है कि वो शॉर्ट देखने के बाद लोग इन्हें चंकी ना कहे। पिंकी बोले पिंकी। ए, मैं सीनियर हुआ यार, मेरा मजाक मत। आज आज चंकी भाई हमारे शो में पहली बार आए। सर मैं चाहता हूँ कि दो दो लफ्ज आप चंकी सर की तारीफ में जरूर कहें। स्पेशल वर्ड्स अबाउट मी, स्पेशल वर्ड्स अबाउट चंकी सर। वो तो मेरी बीवी भी नहीं बोलती है। चलो सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्टर्स होते हैं और शायद शो में कोई हम पर जोक मार लेता है, या मैं अगर होस्ट हूँ तो मैंने किसी एक्टर पे जोक मार लिया तो मुझे पता चलता है कि वो एक्टर शायद अपसेट हो चुका है जी। पर चंकी के ऊपर यू नो इतने सारे जोक्स बनते हैं एंड ही पार्टिसिपेट्स इन देम, तो ये जोक लेना ये भी एक कला है और ये मैंने इनसे सीखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ जोक इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू बट एक चीज बताऊं, जब मैं कोई पार्टी में जाता हूं, शो में जाता हूं, अगर मेरे ऊपर जोक नहीं होता है ना, आई एक्चुअली फील वेरी बैड। वैसे आप लोगों को बताऊं कि चंकी पांडे जो है ये किसको पता नहीं होगा लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। बेशक मैं स्मगलर चंकी... स्मगलर नहीं हूं। अच्छा। ये जोक है। नो नो ये जोक है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन है, मैं स्मगलर नहीं। इनके बिजनेस की मैं तारीफ बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार सलमान खान साहब एक शो कर रहे थे इनके साथ साउथ अफ्रीका में और इसने शो अच्छा हो गया तो सलमान को बोला मैं बहुत खुश हूँ और ये खुद ही ऑर्गेनाइजर भी था। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में तो बोला मैं सलमान चल तेरे को मैं शर्ट पैंट जीने वीने दिलाता हूँ। और सलमान चला गया इसके साथ शॉपिंग करने। शॉपिंग करने तो एक दुकान में ले गया, बोल तीन चार जीन्स ले ले, दो तीन शर्ट ले ले। तो उसने निकाले ये वाले ये ये। तो इतने में वो दुकान वाला आया, एक फोटो लेनी है सलमान साहब। हाँ हाँ लीजिए। तो उसके बच्चे बच्चे भी आ गए, फोटो वोटो लिया, दो चार फोटो ली, ये हाँ पैक वैक करके दे दिया। तो सलमान बड़ा खुश हो गया। बाद में जाके कुछ दिनों बाद सलमान को पता चला, हम सबको पता चला, इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेके आऊं। You didn't know this? वो उसको बेचारे को पता नहीं चला। अबे वो कोई अबे एक हम लोग को न्यू ईयर की पार्टी में बुलाया था इसने। Lovely. तो न्यू ईयर की पार्टी पे हम लोग सब पहुंच गए रात के कुछ पता नहीं कितने भी बजे। तो कुछ दिन के बाद संडे को वापस से सब फोटो आते ना पार्टियों के, तो भाई का फोटो है मेरे सर के ऊपर कोई चड्डी का कोई बैनर लगा हुआ था। तो हाँ हाँ बोल रहे, बोले हाँ बड़ी स्पॉन्सर्ड पार्टी है। अच्छा ये बात मैंने भी सुनी अक्षय बाजी, आप मेरे को किसी ने बताया था कि चंकी बाजी के घर में पार्टी होती थी ना, पार्टी इनके घर में जरूर होती थी, इनको पता नहीं था कौन दे रहा है। आपको चाहिए कोई स्पॉन्सर इस शो के लिए, मैं लेके आता हूँ। सर हमारे पहले ज्यादा हो गए, नाम नहीं लिए जा रहे। आप सबने एक साथ इतना टाइम बिताया, मैं कुछ ऐसे ही ये जनता के सवाल है, सबसे ज्यादा किसकी वाइफ के फोन आते थे सेट पे? मेरी वाइफ तो सेट पे ही थी। अच्छा। मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई। सेट पे नहीं, आप नहीं अलाउ करते कि खुद नहीं आती? उनको बहुत नफरत है शूटिंग से। अच्छा। शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई। मेरी वाइफ आज रात को ये इसके बाद इसको खाना नहीं बचेगा। मेरे मैं तो अपने वाइफ को रनिंग कमेंट्री देता था फोन पे, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू नेवर कॉल। चंकी के वाइफ के फोन आते थे लेकिन दूसरों के फोन पे। कि ये इनसे बात कर लीजिए, जी चंकी से बात करवा देना, क्योंकि ये दूसरों के नंबर देता था बोले ताकि इसका बिल ना बढ़े। आउटडोर में था ना शूटिंग। चंकी भाई आइए क्वेश्चन आपसे, जैकलिन नरगिस और लीसा, सब इससे हॉट कौन है ज्यादा? हॉट मींस हॉट 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 और
Hot means hot, hot. Nargis. Nargis. Jacqueline और Lisa, आप लोगों को जैसे भी फोन करके बात करनी है. कर ले, कर ले. तो आए तो नहीं है यहाँ शो में. Girls are not here ना शो. Yeah, sitting behind. क्या बात कर रहे हो? Sure. नहीं नहीं नहीं. Chunky, overacting. एक्टिंग की बात हम लोग दोनों एक ही एक्टिंग स्कूल में गए हैं. हाँ हाँ हाँ. What a busy day. अरे सब लोग आए हुए हैं भाई. Very nice, very nice. Hi, I am Dr. Mashur Gulati. Please have. अरे मुझे लगा आप चले गए होंगे अब तक. तो आपने तो दो और भी ला लिए. Hello sir, Dr. Mashur Gulati. अच्छा कपू, मैं ना जरूरी काम के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ. क्या हुआ? पानी किससे गिरा? मेरे मुंह से गिरा होगा. बूंदाबांदी हो रही है इधर. जी जी डॉक्टर साहब. कपू मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ. तो वो दो नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसको प्लीज. कपू जी डॉक्टर साहब. कपू मैं चुटकुले याद करके आया हूँ, दोस्त ना लेने दे मेरे को. वो पेशेंट तो बारिश होने लगी है. ये क्या हो रहा है? तू कर ले जो करना, मैं खड़ा हूँ. कपू मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ. दो नंबर बेड का पेशेंट है ना जी, उसको दो थप्पड़ मार के चेक कर लेना, उसको होश में ना आ जाए. अरे आपके लिए समोसे आए हैं, तो पीने के लिए पानी ऊपर से आ रहा है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.